थर्ट एक आदमी से होता है जो किसी को पानी में डुबो रहा था, लेकिन ये हैना का एक ड्रीम था जिसे देखकर इसकी आंख खुल जाती है। और अभी इसने अपने बेटे को एक बस एक्सीडेंट में खोया है, इसकी वजह से ये काफी दुखी रहती है। इसे अभी तक अपने बेटे की डायरी नहीं मिली और उसे ढूंढने के लिए वो एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है। दूसरी तरफ एक जेम नामी आदमी रात को बार में करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में से एक लड़की मिलती है, ये लड़की गोस्ट जैसी लग रही थी। वहीं जेम की कार खराब होती है, ये अपनी कार से इस लड़की को देखने के लिए बाहर निकलता है। वो एक टार्च से इसे देखने लगता है, वहीं इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई गोस्ट इसे मारकर नदी में डुबो देती है। नेक्स्ट डे हैना उस जगह पर आती है जहां जेम हुई थी। वो रास्ते में दो पुलिस वालों को उसी जगह पर देखती है, लेकिन इसे नहीं पता होता कि जेम की हो गई है। वो तो अपने बेटे के लिए आती है क्योंकि यहाँ काफी सारे बच्चे मर गए। इन सब की बॉडी मिल जाती है, बस हैना के बेटे जॉय की बॉडी नहीं मिलती। फिर वो जॉन और आली से मिलती है, इसने इनके घर कुछ दिन रेंट पर रहना था। आली इसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि इसे अपने घर किसी का आना पसंद नहीं था। इसकी बेटी वॉयलेट की उसी एक्सीडेंट में हुई थी, ये भी काफी दुखी होती है। इधर पुलिस वाला जॉन को अपने पास बुलाता है। जॉन के एक पाँव में मसला होता है जिससे वो ठीक तरह से चल नहीं सकता। वो इसे बताता है हमें जेम की बॉडी मिली है। जेम जॉन का नेबर था। रात में हैना उसी चीख को सुनती है जिसे जेम ने सुना था। जब ये बाहर आकर देखती है इसे खेतों में काफी सारी रेड लाइट्स नजर आती हैं। नेक्स्ट डे हैना कुछ पत्थरों को देखती है, वो किसी शेप में पड़े होते हैं। साथ में वहाँ किसी की साइकिल भी पड़ी होती है। घर आकर न्यूज़पेपर में वो इसी इंसिडेंट की खबर देखती है, इसमें इसके बेटे जॉय का नाम भी था, जिसे देखकर वो रोती है। ये खुद को रिलैक्स करने के लिए एक पार्क में जाती है, वहाँ गाँव के लोग इसे अजीब नजरों से देखते हैं। वहाँ वो एक अजीब आदमी को बैठे देखती है, करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि जॉन इसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। हैना इनके घर डिनर करने के लिए आती है, ये लोग खाना खाते हैं। हैना इनसे इनकी बेटी के बारे में पूछती है, इस पर जॉन उसे बताता है कि वो भी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर हैना इससे पूछती है कि सबने खेतों में रेड लाइट्स क्यों लगाई है। जॉन कहता है ये लाइट्स इन लोगों ने अपने बच्चों की याद में लगाई है जो उस हादसे में मारे गए थे। हैना किसी पुराने टाउन में अपने बेटे को ढूंढने आती है, लेकिन वहीं पुलिस ऑफिसर आता है। हैना इससे पूछती है, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि मैंने सारा टाउन देख लिया है लेकिन मुझे कहीं भी आपके बेटे की बॉडी नहीं मिली। ये हैना को कहता है अब तुम जॉय को ढूंढना छोड़ दो और ये टाउन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन हैना इसकी बात को इग्नोर कर देती है। रात में जेम की आंख खुलती है, वो देखता है आली इसके पास नहीं होती। वो इसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसे पहले से पता होता है कि वो कहाँ गई होगी। वो जॉन को खेतों में स्लीप वॉक करते हुए मिलती है, ये इसे घर ले आता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे इनके पीछे आते हैं। दूसरी तरफ हैना को वही चीख सुनाई देती है, ऐसे फील हो रहा था कोई इसे बाहर से देख रहा है। सुबह हैना कुछ बच्चों को देखती है जो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एक आदमी आता है, हैना समझती है कि ये बच्चे मर चुके हैं लेकिन इसे यकीन नहीं आता। वो इस आदमी से पूछती है लेकिन वो आदमी से कोई आंस नहीं देता। फिर हैना को घर में कुछ नजर आता है जिससे वो डर जाती है। ये जॉन से हेल्प मांगने के लिए आती है। जॉन जब आके देखता है तो इसे कुछ नजर नहीं आता, वो भी हैना को यहाँ से चले जाने का कहता है। हैना इसे क्लियरली बता देती है कि जब तक मेरे बेटे की बॉडी नहीं मिलती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हैना किसी और जगह पर जाती है जहाँ एक आदमी इसे अजीब नजरों से देखता है। ये अपनी गाड़ी में बैठकर रोती है क्योंकि इसे अपने बेटे की याद आ रही थी और ना ही इसकी इतनी कोशिश के बाद इसकी बॉडी मिल रही थी। हैना बार के ओनर से सनी के बारे में पूछती है, वो इसे बताता है कि वो जॉन के साथ होता था लेकिन जॉन ने कुछ दिन पहले इसे निकाल दिया है और लास्ट टाइम ये टॉम के साथ काम किया करता था। हैना टॉम से मिलने जाती है, ये वही आदमी है जो बार में बैठा हुआ था। ये उसे बस के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है क्योंकि ये उस बस को चला रहा था। टॉम बताता है कि उस दिन मैक्स नाम का लड़का बस के सामने आ गया था जिसकी वजह से बस डिसबैलेंस हो गई थी और नदी में जा गिरी, वहीं सारे बच्चे मारे गए लेकिन टॉम कैसे भी करके गया था। फिर हैना इस नदी के पास आती है जहां बस का एक्सीडेंट हुआ था और वहां वही पत्थरों की शेप देखती है जो इसने खेतों में देखी थी। फिर हैना बस के ऊपर लगी फोटो देखती है, उसमें मैक्स नामी लड़के की फोटो भी थी। ये वही लड़का होता है जो हैना को खेतों में नजर आता है। रात में इसे किसी के पैरों के निशान मिलते हैं और किसी के आने की आवाज भी सुनती है। हैना डर जाती है और हैना की सीलिंग पर काफी बच्चे बैठे होते हैं जो काफी शोर कर रहे थे। सुबह हैना जॉय के शूट देखकर काफी रोती है। हैना इसे कहती है किसी को क्या पता कि जॉय ने कौन से शूज पहने थे। ये पुलिस वाला भी हैना से कहता है तुम्हें इस टाउन से चले जाना चाहिए वरना तुम यहाँ पागल हो जाओगी। ये इसे भी वही कहती है मैं अपने बेटे की बॉडी ढूंढे बगैर नहीं जाऊंगी। रात में इसे फिर चीख सुनाई देती है, ये नदी के पास जाती है। वो देखती है कि आली और कुछ पेरेंट्स अपने मरे हुए बच्चों से मिल रहे हैं। ये देखकर ये काफी हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है।
आइली अपनी बेटी वायलट को काफी प्यार कर रही थी। मैक्स हैना को देख लेता है। ये यहाँ से भागती है। हैना जॉन को सब बताती है। जॉन ऐसे ही से शो करवाता है कि जैसे वो कुछ नहीं जानता। ये जॉन को जोए के शूज वाली बात भी बताती है। जॉन इसे फिर ये जगह छोड़ने को कहता है। नेक्स्ट हैना एक आदमी से मिलती है जो मैक्स का फादर था। वो बताता है सनी जॉन के साथ काम करता था। ये इसे मैक्स के बारे में बताती है कि मैंने इसे देखा है। ये आदमी कहता है वो मेरा बेटा नहीं है, अब वो एक गोस्ट बन गया है। इसी रात हैना के पास वायलट आती है। वो इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हैना इससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। ये हैना को खेतों में ले जाती है जहाँ जोए को दफनाया गया था। इतनी देर में वहाँ पर मैक्स आ जाता है। हैना इसे देखकर भागती है। मैक्स इसे इसके घर में भी डराता है। सुबह सनी का फ्रेंड हैना से मिलता है। वो इसे बताता है कि मेरी बहन भी उस बस में थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहता हूँ तुम इन बच्चों से दूर रहो क्योंकि वो इनको परेशान कर रही है। तभी जॉन आता है। ये हैना को ले जाकर असल बात बताता है कि कैसे बस का एक्सीडेंट हुआ। ये इसे बताता है कि मैक्स के पीछे सनी इसे मारने के लिए भागा था क्योंकि वो बच्चों को पसंद नहीं करता था। उसने पहले भी काफी बच्चे मारे हैं, इसलिए वो मैक्स के पीछे भागा था। वही इसके सामने बस आ गई थी। मैक्स का बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और बस नदी में गिर जाती है। सनी के पीछे जॉन भी भागता है लेकिन इसका पांव खराब होने की वजह से ये इसे पकड़ नहीं पाता। फिर हैना इसे कहती है कि तुम्हें वो खेत चला देना चाहिए। पहले जॉन इसकी बात नहीं मानता, फिर वो जब इसकी बात को सीरियसली सोचता है तो मान जाता है। इधर जॉन स्टोर रूम में बेहोश हो जाता है और हैना खुद ही खेतों को जलाने के लिए चली जाती है। हैना खेतों को जला देती है। ऐसे सारे बच्चे इस दुनिया से आजाद होकर अगली दुनिया में चले जाते हैं। आली को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहती थी इसकी बेटी वायलट इसे छोड़कर चली जाए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सनी हैना के बेटे जॉय को डुबो रहा था। टॉम ये सब होते हुए देख लेता है। अगली सुबह हैना को जॉय की डेड बॉडी मिलती है जहाँ वायलट ने इसे बताया था। ये देखकर वो काफी रोती है और इसका मिशन भी कम्प्लीट हो जाता है क्योंकि वो यहाँ अपने बेटे की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए आई थी और फाइनली इसे अपने बेटे की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर वो खुद को सुकून में पाती है और अब यहाँ से जाने लगती है। आली इसे जाते हुए गुड बाय बोलती है और हैना इसे घर की की देकर यहाँ से चली जाती है और ऐसे मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।